हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज वीडियो री एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, आपको देख बताएंगे। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इसी नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके बाद हम कट ऑफ के बारे में देखेंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहली शिफ्ट से हमें यही चीज़ देखने को मिलती है कि नेगेटिव मार्किंग को आपको बचना है किसी भी कीमत पर। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हल हो रहे हैं ना, उनको तुक्केबाजी नहीं करना है। पेपर एक मॉडरेट लेवल का पेपर है, इतना आसान भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंक्लूसिव स्टडी सेंटर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से इसको ले सकते हो। तो इसको आप देख लेना, अगर आप पेपर को देखोगे तो आप देख लेना। कुछ क्वेश्चन तो हैं आसान, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 74, ये आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके 72 भी आसान है, कुछ चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इतना भी टाइम आपको कम नहीं लग रहा था एग्ज़ाम हॉल में, मतलब आपको टाइम का बहुत दिक्कत आ रही थी। और नेगेटिव मार्किंग दो ही चीज़ हैं गाइस, जिससे आप अगर बच गए ना तो आप इसको आराम से पास कर जाओगे, अदरवाइज इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप जब देखोगे कि जब नेगेटिव मार्किंग के बाद जब आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी ना, तो उसके बाद जो लोग आज ये क्वेश्चन मार्क्स बता रहे हैं ना कि उनके 120 130 125 क्वेश्चन बताएंगे वो लोग, तो उनके जो आपको ये 100 वाले भी ढूंढने नहीं मिलेंगे जब ऑफिशियल आंसर की रिवाज आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, थोड़ा सा काम डाउन रहें, ज़्यादा हड़बड़ी में पेपर को अटैम्प्ट नहीं करें। प्लीज़, 100 वाले सुरक्षित हैं, और अगर आप इस पेपर को अच्छे से काम तरीके से दोगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, नेगेटिव मार्किंग बड़ी तगड़ी है इस बार, तो ये बात आप ध्यान रख लेना गाइज। अगर आपको इस पेपर की देख लेना किस तरीके का पेपर आया, आप यहाँ पर देख लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जल्दबाजी में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पेपर का अगली शिफ्ट के बारे में पता चल जाए। अब जैसे ये देख सकते हैं कि 7वां जो क्वेश्चन है, ये वाला जो, ये बहुत आसान आ गया। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं। अब हम देखो इसको, 76 क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछे, कितना लंबा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा, देन आपको डिसाइड करना पड़ेगा उसका आंसर। तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, ये बाहर देखने में बहुत आसान लगता है। तो गाइस, ये मेरी तरफ से स्मॉल वीडियो आपके लिए, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे इंक्लूसिव स्टडी सेंटर को जो यूट्यूब चैनल है, इनको सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।